हेल्पो जॉइंट्स के दो मेन कंडीशन डेवलप होती हैं, मीडियल एपिकोंडिलाइटिस एंड लेटरल एपिकोंडिलाइटिस। नाम से पता चल रहा है मीडियल एपिकोंडिलाइटिस में मीडियल एपिकोंडाइल पे जितने भी फ्लेक्सर टेंडन लगे होते हैं जो कि कॉमन फ्लेक्सर ओरिजिन है उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। सेम इस तरह लेटरल एपिकोंडिलाइटिस में जो लेटरल एपिकोंडाइल है, लेटरल एपिकोंडाइल कॉमन एक्सटेंसर ओरिजिन है, उस पर जितने भी टेंडन्स लगे हुए होते हैं उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। अब टेंडनाइटिस, लेटरल एपिकोंडिलाइटिस जो है टेंडन्स की इंजरी है, तो उसमें होता क्या है कि रेपिटेटिव मूवमेंट ओवर यूज़ की वजह से ये कंडीशंस डेवलप हो रही होती हैं। नाम इनको क्यों दिया गया, टेनिस एल्बो या फिर लेटरल एपिकोंडिलाइटिस, मीडियल एपिकोंडिलाइटिस को गोल्फर एल्बो का? रीज़न ये है कि गोल्फर एल्बो में क्योंकि रेपिटेटिवली हमारी फ्लेक्शन मूवमेंट्स हो रही होती हैं जिसकी वजह से जो कॉमन फ्लेक्सर्स ओरिजिन है वो डिसरप्ट हो जाता है, वो ओवर स्ट्रेन हो जाता है। और टेनिस एल्बो में हमारी रेपिटेटिव एक्सटेंशन मूवमेंट्स हो रही होती हैं जो कि लीड करता है लेटरल एपिकोंडिलाइटिस को। यही रीज़न है कि लेटरल एपिकोंडिलाइटिस को हम टेनिस एल्बो कहते हैं और गोल्फर एपिकोंडिलाइटिस, मीडियल एपिकोंडिलाइटिस को हम गोल्फर एल्बो कह रहे होते हैं। दिस इंजरी इज ऑफन वर्क रिलेटेड, एनी एक्टिविटी इन्वॉल्विंग रिस्ट एक्सटेंशन, प्रोनेशन आर सुपिनेशन ड्यूरिंग मैनुअल लेबर, हाउस वर्क एंड हॉबीज आर कंसिडर्ड एज इंपॉर्टेंट कैजुअल फैक्टर। अब जो लेटरल एपिकोंडिलाइटिस है ये वर्क रिलेटेड वही ओवर यूज इंजरी की वजह से ही होता है, तो इसमें कोई भी मूवमेंट जो रेपिटेटिव एक्सटेंशन भी हो सकती है, रिस्ट की एक्सटेंशन, फोरआर्म पे प्रोनेशन सुपिनेशन मूवमेंट रेपिटेटिवली हो सकती है, जैसे कि ये दोनों मूवमेंट्स हो सकती हैं किसी मैनुअल लेबर में, हाउस वर्क में या फिर कोई भी हॉबीज, ये कॉमन फैक्टर्स हो गए। लेटरल एपिकोंडिलाइटिस या टेंडनाइटिस इज इक्वली कॉमन इन बोथ सेक्सेस, मतलब मेल और फीमेल में इक्वल चांसेस होते हैं, बोथ बिटवीन द एजेस ऑफ 30 to 50 years। द डिजीज इज मोस्ट प्रेवलेंट, ऑब्टेनिंग द कंडीशन एट बोथ लेटरल एपिकोंडाइलिस इज रेयर, क्योंकि डोमिनेंट हैंड से ही हम मोस्टली मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बाईलेटरल की कंडीशन डेवलप हो, ऐसा बहुत कम होगा। तो जो डोमिनेंट आर्म होगा उसमें ज्यादा चांसेस होते हैं, 20% ऑफ द केसेस परसिस्ट फॉर मोर देन 1 year, इसका जो ड्यूरेशन है वो मोर देन 1 year हो सकता है। एल्बो टेंडनोपैथी अकर्स एट लीस्ट 5 times मोर ऑफन एंड प्रीडोमिनेंटली अकर्स ऑन द लेटरल रादर देन ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द जॉइंट्स। अगर हम इनकी रेशियो देखें तो जो लेटरल एपिकोंडाइल है या टेंडनोपैथी है, लेटरल टेंडनोपैथी वो उनकी रेशियो है हमारे पास लेटरल और मीडियल की 4:1 या फिर 4:1 से लेकर 7:1 तक, मतलब लेटरल एपिकोंडाइलाइटिस 4 to 7 times मोर कॉमन है एज कम्पेयर टू मीडियल एपिकोंडिलाइटिस। इट अफेक्ट्स 1 to 2% ऑफ द पॉपुलेशन विद दोज 35 to 50 years old मोस्ट कॉमनली बींग एफेक्टेड। इफ अ पेशेंट इज लोअर दैन 35 years इट इज इंपॉर्टेंट टू कंसीडर डिफरेंशियल डायग्नोसिस, जिसमें हम ग्रोथ प्लॉट को देखते हैं, ग्रोथ प्लॉट डिसऑर्डर से रेफरल फ्रॉम द सर्वाइकल स्पाइन। इफ अ पेशेंट इज मोर देन 50 years कंसीडर ऑस्टियोआर्थराइटिस, रेफर्ड सर्वाइकल स्पाइन पेन। इन अ स्टडी बाय द नेरकेल ऑफ 200 टेनिस प्लेयर्स एजेड मोर देन 30 years 50% हैड सिम्टम्स ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल टेंडनोपैथी एट सम स्टेज। काजेस ऑफ लेटरल एपिकोंडाइल टेंडनोपैथी, इन्फ्लेमेशन, डीजनरेशन, माइक्रोस्कोपिंग टीयरिंग एंड हाइपोवास्कुलैरिटी, ये सारी काजेज हैं LED की लेटरल एपिकोंडाइल टेंडनोपैथी। अकॉर्डिंग टू वेरन देयर आर 4 stages ऑन द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंजरी विद रिगार्ड टू द इंटेंसिटी ऑफ द सिम्टम्स। फेंट पेन अ कपल ऑफ आवर्स आफ्टर द प्रोवोकिंग एक्टिविटी, सेकेंड पेन एट द एंड ऑफ या इमीडिएटली आफ्टर द प्रोवोकिंग एक्टिविटी, थर्ड पेन ड्यूरिंग द प्रोवोकिंग एक्टिविटी विच इंटेंसिफाइज आफ्टर सीजिंग दैट एक्टिविटी, एंड फोर्थ वन कॉन्स्टेंट पेन विच प्रोहिबिट्स एनी एक्टिविटी। ये एक्सरसाइजेस हैं, एक्सरसाइजेस फॉर टेनिस एल्बो रिलीफ, इसेंट्रिक एक्सरसाइजेस हो गई, सेकेंड में फोर आर्म एक्सटेंसर स्ट्रेच, ट्राइसेप स्ट्रेच, फोर आर्म फ्लेक्सर स्ट्रेच, बाल स्क्वीज, ड्राइंग दी सॉवर्ड, फोर आर्म प्रोनेशन, बाइसेप कर्ल्स एंड हैमर कर्ल्स। फर्दर मोर इट इज ऑफन सीन दैट द फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्ट्रेंथ इन द रिस्ट एक्सटेंसर एंड पोस्टीरियर शोल्डर मसल्स आर डेफिशिएंट, एट लीस्ट पेशेंट रिपोर्ट वीकनेस इन दियर ग्रिप स्ट्रेंथ, हार्ड डिफिकल्टी कैरिंग ऑब्जेक्ट्स इन दियर हैंड स्पेशली विद द एल्बो एक्सटेंडेड। दिस वीकनेस इज ड्यू टू फिंगर एक्सटेंसर्स एंड सुपिनेटर वीकनेस, सम पीपल हैव अ सेंस ऑफ पैरालिसिस बट दिस इज रेयर। सिम्टम्स लास्ट ऑन एवरेज फ्रॉम 2 weeks to 2 years, 89% ऑफ द पेशेंट्स रिकवर विद इन 1 year विदाउट एनी ट्रीटमेंट एक्सेप्ट परहैप्स अवॉइडेंस ऑफ द पेनफुल मोमेंट। मीडियल एपिकोंडिलाइटिस, गोल्फर एल्बो, क्लिनिकल सिम्टम्स, द पेशेंट यूजुअली कंप्लेन्स अबाउट पेन ऑफ द एल्बो डिस्टल टू द मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ द ह्यूमरस विद रेडिएशन अप एंड डाउन द आर्म, मोस्ट कॉमन ऑन द अल्नर साइड ऑफ द फोर आर्म, द रिस्ट एंड ओकेजनली इन द फिंगर्स। लोकल टेंडनेस ओवर द मीडियल एपिकोंडाइल एंड कॉन्जॉइंट टेंडन ऑफ द फ्लेक्सर ग्रुप विदाउट एविडेंस ऑफ द स्वेलिंग आर एरिथमा आर आल्सो करेक्टरिस्टिक्स दैट कैन अकर। अदर सिम्टम्स आर स्टिफनेस ऑफ द एल्बो, वीकनेस इन द हैंड एंड रिस्ट एंड अ नमनेस आर टिंगलिंग फीलिंग इन द फिंगर्स, मोस्टली रिंग फिंगर एंड इन लिटल फिंगर। द पेन इज प्रोवोक्ड बाय द रेजिस्टेड फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट एंड बाय प्रोनेशन, द पेन इज यूजुअली अकंपनीड बाय अ वीकनेस ऑफ हैंड ग्रिप, पेन कैन बिगिन सडनली आर कैन डिवेलप ग्रेजुअली ओवर टाइम, एन एवेल्युएशन ऑफ द इंटायर अपर एक्सट्रीमिटी काइनेटिक चेन कैन बी नीडेड, अ पर्टिकुलर फोकस गोज टू द शोल्डर एंड स्कैपुलर स्ट्रेंथ मोशन एंड स्टेबिलाईजेशन।
Overuse injuries in the elbow often occurs with shoulder or the scapular dysfunction. Medial epicondyle or golfer's elbow rehabilitation exercises, wrist active range of motion, flexion and extension exercises, wrist stretch, forearm pronation and supination, wrist flexion, wrist extension, grip strengthening, forearm pronation and supination strengthening, resisted elbow flexion and extension.